हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। एक नई बुक है, उसका हम लोग सार संग्रह करेंगे। स्पेक्ट्रम की बुक, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही यूजफुल बुक हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की बुक प्री के लिहाज से और एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर इतने अच्छे तरह से फैक्ट दिए हुए हैं और प्लस इसमें मेंस के लिए इतने अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज हर चीज़ कवर की है कि आप आधुनिक भारत के इतिहास के लिए इससे अच्छी बुक कोई और नहीं हो सकती, इसे ही प्रेफर कीजिएगा। तो चलिए, स्पेक्ट्रम की बुक्स का आज हम सार संग्रह करेंगे विथ PDF। जब ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि चैप्टर 1 मैं ख़त्म करा लूँगी और ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं अपने सक्सेस मंच पेज पे भी इसे अपलोड करूँगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग PDF के साथ साथ वो जो पॉइंटर बताऊँगी उसको मैं डिस्क्राइब भी करूँगी और एलेबोरेट भी करूँगी आपको शब्दों में, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर राइटिंग करके आ सके। और जल्द से जल्द कोर्स मैं आप लोगों का पूरा कराऊँगी, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं Part 1 इसका। बट जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो व्यूवर्स, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आप लोगों से रिलेटेड, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और आ रही हैं, चल रही हैं। MPPSC मेंस, UPPSC मेंस, प्री, सबसे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हम इसे चैप्टर वाइज कैसे रीड करेंगे। चैप्टर टू बी रीड कौन कौन से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1905 से 1919 तक का है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1939 तक का है, ये भारतीय राष्ट्रवाद का युग था, फिर स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1939 से 1947 तक, 1857 के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारत में प्रेस का विकास, भारत में शिक्षा का विकास, ब्रिटिश शासन के कुछ पहलुओं पर संक्षिप्त टिप्पणियां, भारतीय रियासतें, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां, कृषक आंदोलन, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन, राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास, भारत की स्वतंत्रता से 1964 ईस्वी तक। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये हम वन बाय वन रीड करते हुए चलेंगे, इसका शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और शॉर्ट नोट्स आपको मैं PDF के रूप में ज़रूर उपलब्ध कराऊँगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह, चैप्टर नंबर 1, इसको मोटे मोटे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण क्या थे, 1857 के पूर्व कौन कौन से विद्रोह हुए थे, और 1857 का विद्रोह उसके बारे में पूरी जानकारी, उसके कारण क्या थे, क्यों हुए थे, परिणाम क्या था, असफलता के कारण क्या थे, ये स्वतंत्रता आंदोलन था या सैनिक विद्रोह था, इसके बारे में जो भी सारे फैक्ट्स हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक हैं, तो आज हम इसका पहला टॉपिक करते हैं, प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण कौन कौन से थे। तो अगर आप लिखेंगे तो उसमें 4 पॉइंट्स लिखेंगे कि इसमें एक राजनीतिक कारण था प्रारंभिक विद्रोह का, फिर सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था और आर्थिक कारण था। 4 बेस पे हमने इस कारणों को डिवाइड किया है। ये स्पेक्ट्रम का एज इट इज सार संग्रह है, बहुत ही शॉर्ट में। आप बस इसे एक बार PDF डाउनलोड करके रीडिंग करके पूरा स्पेक्ट्रम रीड कर सकते हैं 2 से 4 घंटे के अंदर, जब मैं ये पूरी वीडियो सीरीज करा दूंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनैतिक कारण। तो इसमें राजनैतिक कारण में सबसे पहले थी सहायक संधि प्रणाली। ये सहायक संधि प्रणाली वेलिंगटन ने शुरू की थी, और इसमें इस प्रणाली में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे भारत का एक बहुत विस्तृत जो क्षेत्र था वो हाथ लगा था वेलिंगटन के, और इस कारण भारतीय जो राज्य थे अपनी जो स्वतंत्रता थे वो खो चुके थे, और उनके अंदर
अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है गोद प्रथा की समाप्ति। ये जो लॉर्ड डलहौजी था, इन्होंने अपने कुछ काल में देश के राज्यों में, जैसे कि झांसी हो गया, उदयपुर हो गया, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं था, तो जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी उसके तहत था कि योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए वो किसी भी एक बच्चे को गोद ले सकते थे। परंतु डलहौजी ने कहा कि वो गोद लेने की प्रथा अमान्य है, इसको माना नहीं जाएगा, इसको दत्तक पुत्र कहा जाता है, गोद लेने की जो प्रथा होती है। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों के, मतलब कि जिन राजाओं के पुत्र नहीं हैं, तो वो गोद नहीं ले सकते और उनकी सारी संपत्ति हम लोग अपने कंपनी अपने शासन अधिकार में ले लेगी। तो इसके जो इस द्वारा नीति जो शुरू की गई डलहौजी के द्वारा, इसके कारण सारे राजा असंतुष्ट हो गए और उन्होंने ऐसे अवसरों की तलाश करनी शुरू कर दी जिससे अंग्रेजों से बदला लिया जा सके और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया जा सके। तो ये एक नेक्स्ट कारण था। हम यहाँ थर्ड कारण देखेंगे, अवध के साथ विश्वासघात। अवध जो था वो 1856 में कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके जो अवध के पूर्व के जो राजा थे उनके साथ अंग्रेजों ने बहुत झूठी मित्रता की और उनसे पूरी सहायता ली अपने भारत में राज्य को विस्तृत करने के लिए। जब उनका साम्राज्य विस्तृत हो गया तो अंग्रेजों ने अवध को भी छीन लिया और अपने अधीन कर लिया। अवध पर प्रशासन सुचारू रूप से ना चलाने का आरोप लगाया गया था यहाँ पर। नेक्स्ट होगा बहादुर शाह का अपमान। मुगल बादशाह जो हमारा बहादुर शाह था उसको अपमान किया गया अंग्रेजों द्वारा, डलहौजी ने किया था इसका अपमान। उन्होंने कहा था कि लाल किला खाली करना पड़ेगा आपको, सिक्कों से उनके नाम हटा दिए गए थे, उसका जो एक पुत्र था कोयाश वो उसको राजकुमार घोषित कर दिया गया था। बट जब उसका एक बड़ा पुत्र जो कोयास से बड़ा था वो वास्तविक उत्तराधिकारी था उसकी जगह पर, तो इस सब से भी बहुत ज़्यादा लोगों में रोष उत्पन्न हुआ जनसाधारण, क्योंकि जब उनके राजा का ही अपमान होगा तो आम जनता कहाँ तक वहाँ पर खुश रह सकती है। तो इसीलिए शुरुआत के समय में जब क्रांति शुरू हुई तो बहादुर शाह ने नेतृत्व स्वीकार किया, मतलब कि उन्होंने नेतृत्व स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं विद्रोह में साथ दूंगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दत्तक प्रथा की समाप्ति। अब वो था पहला, ये सेकंड पॉइंट है गोद प्रथा की समाप्ति, यहाँ था दत्तक प्रथा की। दत्तक मतलब कि जो पुत्र पहले से गोद ले चुके हैं राजा, वो बड़े हो चुके हैं, अब वो शासन संभालना चाह रहे हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को तो समाप्त किया ही, साथ में दत्तक पुत्रों की जो जागीर थी वो भी जब्त कर ली और उनकी पेंशन भी रुकवा दी। जैसे कि नाना साहेब जो कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इनका पेंशन रोक दिया इन्होंने। तो इस सब से इन लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ अपना राज्य वापस लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफगानिस्तान में अंग्रेजों की पराजय। 1841-42 में अफगानिस्तान में जो अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा, तो इससे ना उन्हें इस धारणा से उबरने का मौका मिल गया कि अंग्रेज कभी हार नहीं सकते हैं। इससे क्रांतिकारी जो थे भारत के उन्हें नई आशा मिली और प्रेरणा मिली कि हाँ अगर अंग्रेज अफगानिस्तान में हार सकते हैं तो हमसे भी हार सकते हैं, और उन्हें अंग्रेजों से देश से निकालने का मौका मिला और ये क्रांति को अंजाम दिया उन्होंने। तो ये हो गए हमारे राजनैतिक कारण, ये सारे राजनैतिक कारण आप इसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पॉइंट्स आप लिखेंगे कि भारतीयों के साथ मनुष्य, यहाँ पर होगा अमानुषिक व्यवहार, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसे मैं ठीक कर दूंगी। जो भारतीय था उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया गया था। काले और गोरे का जो भेद था वो स्पष्ट दिखाई देता था अंग्रेजों के अंदर। सामाजिक मान्यताओं में अंतर था अंग्रेजों और भारतीयों के, वो लोग, उन लोगों के रीति रिवाज मान्यताएं अंग्रेजों की अलग थी और भारतीयों की अलग थी। सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं, भारतीयों ने अपना जो जीवन था उनका, जैसे कि उन बाल विवाह भारतीयों में था, सती प्रथा था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं प्रदान करते थे, ये सब उनका सामाजिक जीवन था, तो वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे।
अंग्रेजों को खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने की भावना, यहाँ हीन आएगा, तो अंग्रेज जो थे खुद को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हीन समझते थे, इसलिए भारतीयों के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो गया, उन्हें प्रेरणा मिली कि हाँ हम उनसे हीन नहीं हैं और हम क्रांति के जरिए उन लोगों को भारत से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गए सामाजिक कारण। नेक्स्ट हम बात करेंगे धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में पहला पॉइंट है योग्यता की जगह धर्म को पद का अधिकार मानना, मतलब कि यहाँ पर जो भी भारतीय था अगर वो ईसाई धर्म को अपना लेता था तो उसको पदोन्नति की जाती थी, उसको सरकारी सर्विस दी जाती थी। नेक्स्ट है भारतीय धर्म को मानने वालों का अपमान करना, जो भी ईसाई धर्म नहीं अपनाता था तो उसका अपमान किया जाता था, उसको ना नौकरी दी जाती थी ना पद में उन्नति दी जाती थी, कुछ भी नहीं, और उनका उल्टे अपमान ही किया जाता था। तो ये सब कारण थे जिसके कारण क्रांति उत्पन्न हुई। नेक्स्ट ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार, ईसाई धर्म जो आए था भारत में लेकर आया था, कैथलिक जो आए थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ईसाई बना दिया जाए ताकि वो रंग रूप से तो भारतीय रहें बट जो उनकी सोच की विचारधारा है वो ईसाई के अकॉर्डिंग हो जाए। तो इससे भी भारतीय जो थे उनके अपनी धार्मिक आस्था पर उनको कुठाराघात हुआ और उन्होंने सोचा कि हाँ अब क्रांति के जरिए इन लोगों को हटाने की आवश्यकता है। तो ये हो गया हमारा धार्मिक कारण। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक कारण की। तो आर्थिक कारण तो बहुत ही इजी है, ये लोग आप सब जानते हैं कि क्रांति का मेन रीज़न यही था कि करों में वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि हो गई थी। तो पहला पॉइंट है भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया था, मतलब जो ईस्ट कंपनी आई थी उन्होंने भारत के जो उद्योग धंधे थे उसको हटा के अपने जो खुद के प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया के मार्केट में वो लोग लेकर आए थे। नेक्स्ट था श्रमिकों से अधिक श्रम करवाना और कम पारिश्रमिक देना, श्रमिकों से बेगार करवाया जाता था, बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम करवाया जाता था और जितना श्रम करवाया जाता था उसके अकॉर्डिंग उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर आएगा अकाल। अकाल जो होता है या फिर बाढ़ आ जाती थी और सूखा पड़ जाता था तो उसकी स्थिति में सहायता नहीं प्रदान की जाती थी, मतलब कि यहाँ पर इंडिया में कोई भी घटना घट जाए तो उसके लिए कंपनी का शासन चलता था बट वो अब उसके लिए जिम्मेदार अपने आप को नहीं मानती थी, कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी भारतीयों को, किसी नए उद्योग की स्थापना नहीं की जाती थी। औद्योगिक क्रांति का युग आरंभ हो चुका था, हर जगह औद्योगिक क्रांति चल रही थी बट इंडिया में कोई भी औद्योगिक क्रांति नहीं शुरू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकार तो अंग्रेजों का था तो उनका ये उनका वो था आधार कि उन्हें करना चाहिए था उद्योग आरंभ। भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों की समाप्ति, भारत के जो लघु और कुटीर उद्योग जो चल रहे थे ग्रामीणों द्वारा, मजदूरों द्वारा या कृषकों द्वारा, उसको लगभग समाप्त कर दिया गया था, उसकी जगह पे अपने प्रोडक्ट वो लोग लेकर आए थे। तो नए उद्योग की स्थापना तो दूर, छोटे छोटे जो कुटीर और लघु उद्योग शुरू हुए थे उसको भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। तो इन सब कारणों की वजह से प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और यही सब कारण थे, ये सारे कारण थे जिसके कारण इन भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ और फिर वो लोग चाहने लगे कि 1857 की क्रांति इन्हीं सब रीजनों से हुई। और जो भी छोटे मोटे क्रांतियां हुई थी जैसे कि चेर का विद्रोह हुआ था, चेरों का फकीर विद्रोह हुआ था जिसे सन्यासी विद्रोह भी कहते हैं, तो बहुत सारा ऐसे बहुत सारे थे जिसके कारण से क्रांति हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक जो विद्रोह हुए थे सारे उसके क्या क्या कारण थे। नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 के पूर्व कौन कौन से विद्रोह हुए थे, बहुत सारे विद्रोह हुए थे, तो उसके जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लर्न कर सकते हैं वो हम लर्न करेंगे, यहाँ पर नोट्स देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।